हीमोग्लोबिन का कम होना, ये प्रॉब्लम लेडीज में तो करीब 50% और जेंट्स में भी कहीं 30, कहीं 40 और कहीं कहीं तो 50% ये प्रॉब्लम होती है। जेंट्स का हीमोग्लोबिन 14 से 16 के बीच में रहना चाहिए, लेडीज़ का हीमोग्लोबिन करीब 12 से 14 के बीच होता है तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि लेडीज़ को हर महीने मंथली होने से भी ब्लीडिंग होती रहती है और उनका हीमोग्लोबिन अक्सर कम रहता है। लेकिन लेडीज़ का किसी किसी का तो 4-5 तक आ जाता है और 7-8 तो बहुतों का रहता है, और जेंट्स का भी 12-14 हीमोग्लोबिन रहता है, और इसलिए काम करते समय थकान हो जाती है। यदि आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है तो आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा और आप 18-18 घंटा लगातार काम कर सकते हैं। मैं पिछले कई वर्षों से चेक कराता हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 होता है, जबकि पिछले 15 वर्षों से मैं अनाज लेता ही नहीं हूँ, बस प्राणायाम करता हूँ, एक साधारण कोई भी सब्जी ले लेता हूँ और एक गिलास दूध या छाछ या दही का प्रयोग करता हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है। किससे? कपालभाति प्राणायाम से। कपालभाति प्राणायाम करने से 100% हीमोग्लोबिन जिनका भी कम है उनका बढ़ जाता है, इसमें कोई शंका नहीं। मुझे केवल हीमोग्लोबिन ही नहीं बढ़ता, कैल्शियम की कमी भी इससे दूर होती है, किसी भी तरह के विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी में कमी नहीं रहती है। आजकल अलग अलग विटामिन्स के हम गोली खाते हैं, कैल्शियम की गोली खाते हैं, आयरन की गोली खाते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं। कपालभाति कीजिए, आपके भीतर से आपको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी भीतर है, गर्मी भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, भगवान भीतर है, सारा ब्रह्मांड अपने ही भीतर है, सब कुछ अपने भीतर है। योग से आपको शक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी और अतीन्द्रिय शक्ति मिलेगी, अतीन्द्रिय ज्ञान मिलेगा। ये तो बहुत ही बड़ी विद्या, बहुत ऊँची विद्या है योग विद्या। जिनको भी हीमोग्लोबिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन सी न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी है, वे एक जैसा अनाज ना खाएं, मिला जुला खाएं, मिलजुल करके रहें। मिलजुल के रहेंगे आप आनंद से रहेंगे, मिला जुला खाएंगे तो आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। बाजरे में, ज्वार में, रागी में, ये जो हमारे मोटे अनाज हैं इनके अंदर कैल्शियम और आयरन और न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए पहले जो है मिला जुला अनाज खाया करते थे। आज हमने पुनः आरोग्य आटा के नाम से, नवरत्न आटा के नाम से एक नई परंपरा शुरू की है। आओ वापस अपने उसी पुराने आहार और पुराने विचारों की परंपरा को अपनाओ, स्वस्थ भी रहोगे और सुखी भी रहोगे। हमने गेहूं, सोयाबीन, चना, ज्वार, बाजरा, मकई, चौलाई, जौ और सिंघाड़ा 9 अनाजों को मिलाकर के, और दलिये में भी चावल, मूंग, बाजरा और गेहूँ, ये 500 ग्राम लेकर के थोड़ा 20 ग्राम इसमें अजवाइन को मिला दिया, 50 ग्राम तिल को मिला दिए, हम दलिया खिलाते हैं। ये 9 अनाज का आटा और ये 4 अनाज का दलिया खाने से हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी नहीं। बाकी हरी सब्जियों का आप सेवन करें, गाजर का सेवन करें, पालक का सेवन करें, बथवा लें, जो भी हरी सब्जियां हैं, गाजर है, फिर लौकी है, ये सब हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। सेब से भी ज़्यादा आयरन केले में और अमरूद में होता है, इसलिए केला और अमरूद का सेवन करें, इससे भी आपके शरीर में आयरन बढ़ता है। आप मुनक्का और अंजीर का सेवन करें, इससे भी आपके शरीर में खून बढ़ता है। आंवला और एलोवेरा का जूस पी लें, वीट ग्रास ले लें, तो इससे भी आपका हीमोग्लोबिन 100% बढ़ता है और आपके शरीर में खून की कमी नहीं रहेगी। आपको जिंदगी में कभी भी आयरन के कैप्सूल नहीं खाने पड़ेंगे।